सो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एंजाइटी क्या होती है, उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स और क्या वजूहात हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे कि एंजाइटी को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं या इस कंडीशन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सो आई टॉक अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंजाइटी अगेन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ जनरल एंजाइटी जो आमतौर पर किसी भी इंसान को हो सकती है। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की, एग्जाम में जाने से पहले एंजाइटी होती है या किसी इंटरव्यू से पहले आपको एंजाइटी हो रही है। सो व्हाट कैन यू डू टू फील बेटर? देर आर सेवरल वेज। सो व्हाट्स एंजाइटी डूइंग टू यू इज एंजाइटी आपको आपकी हियर एंड नाउ, आपके इस मौजूदा लम्हे से किसी फियर में ले जाती है कि कुछ बुरा हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा, शायद आई परफॉर्म आई वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म। सो ऑल दीज थॉट्स कम टू योर माइंड। सो वट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर अ वॉक टू गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ। अपने आप से कनेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एंग्जाइटी जो आपको अपने से दूर लेके जा रही होती है, वो एक प्रोसेस है जो आपके दिमाग में चल रहा है। सो यू कैन ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू योर बॉडी। इट यू कैन कॉल इट ग्राउंडिंग एज वेल। वॉक के अलावा यू कैन यूज सम ब्रीदिंग टेक्निक्स। आपने अक्सर सुना होगा कि डीप ब्रीदिंग करें। सो वॉट डज दैट डीप ब्रीदिंग डू? इट हेल्प्स यू कम टू योर बॉडी। वेन यू ब्रीद यू आर कनेक्टिंग टू योर बॉडी, यू आर कनेक्टिंग टू योर सेल्फ। और आप इस लम्हे में देखते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, मे बी दैट फियर इज नॉट दैट ग्रेट, इट्स नॉट दैट बिग। तो दीज आर सम टेक्निक्स यू कैन यूज़। यू कैन यूज़ योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस की बहुत सारी टेक्निक्स हैं दैट यू कैन गो फॉर। एक्सरसाइज इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ रिलीजिंग दैट एनर्जी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एंग्जाइटी का एक पैटर्न चल रहा है जो आपकी लाइफ को, सिर्फ पर्सनल लाइफ की परफॉर्मेंस को ही नहीं बल्कि आपके, शायद आपके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट कर रहा है, बट अनकॉन्शियसली एक लाशौरी सतह पर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी एंग्जाइटी से आ रही हैं या आपके पर्सनल मटेरियल से आ रही हैं और आपकी लाइफ के कौन कौन से पार्ट्स को या एस्पेक्ट्स को वो अफेक्ट कर रहे हैं। दैट्स द पॉइंट जहाँ पर थेरेपिस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो थेरेपिस्ट से के पास जाने से आपको कैसे मदद मिल सकती है? थेरेपिस्ट की मौजूदगी में जब हम अपना मटेरियल प्रोसेस करते हैं, हम अपने फीलिंग्स बाहर लेके आते हैं और हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात को हाईलाइट करते हैं, तो उस लम्हे में, उस थेरेपी रूम में आपको एक ऐसा माहौल मिल रहा होता है जहाँ पर आपको कोई जज नहीं करता और आपको एक ऐसा मौका मिलता है कि आप अपने एक अवेयरनेस के साइकिल में आना शुरू हो जाते हैं। सो मे बी यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड इन योर पास्ट। अक्सर हमें लगता है ना कि हमारे माजी में कोई वाकया हुआ और उसका हमारे हाल से कोई लेना देना नहीं है। तो साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में हर होने वाला वाकया बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमारे मौजूदा पैटर्न्स को, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन हम इतना दबा चुके होते हैं कि हम अवेयर नहीं होते। सो गोइंग टू अ थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू देयर। इट कैन हेल्प यू बिकम अवेयर कि हाउ आर इवेंट्स फ्रॉम योर पास्ट अफेक्टिंग योर प्रेजेंट। सो इफ यू फील कि आपकी एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा है कि आप थ्रू दीज स्मॉल एक्सरसाइजेज ऑफ ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, वॉक एंड एक्सरसाइज, ये सब आपको हेल्प नहीं कर पा रहा जितना आप चाहते हैं, तो देन मे बी यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गोइंग टू अ थेरेपिस्ट। क्योंकि जैसे बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में थेरेपिस्ट के पास जाना भी एक एक तरह का स्टिग्मा है कि हम थेरेपिस्ट के पास तभी जाएंगे जब हमें जब हम पागल हो चुके होंगे या वो एक पागल का लेबल है जो बहुत ज़्यादा मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक आम इंसान भी, एक नॉर्मल इंसान भी थेरेपिस्ट के पास जा सकता है
अगर हम बुखार के लिए पेनाडोल ले सकते हैं तो हम एंजाइटी के लिए थेरेपिस्ट के पास क्यों नहीं जा सकते। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लुक इनटू कि आपको किस तरह की एंजाइटी होती है और आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। सो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।